हेलो बच्चों, मैं अरविंद सिंह। पूछो तो आपका फिजिक्स का टीचर, ठीक है। आज इस वीडियो में हम आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे जिसके थ्रू आप 40 दिनों का जो बचा हुआ समय है उसके थ्रू नीट में 620 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, नीट का जो पेपर होता है, ठीक, उसमें स्कोर करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेगा तो आपके नंबर अगर 620 भी आने हैं तो हो सकता है वो 520 में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सबसे बड़ी चीज है इसके लिए। आपको सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे बड़ा हथियार आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डाउट का एलिमेंट है तो सबसे पहले तो उसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि जो बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं या नीट में अच्छा स्कोर करते हैं उनके सींगे नहीं लगी होती हैं, वो मंगल ग्रह के प्राणी नहीं होते हैं, वो आप ही की तरह बच्चे होते हैं, वो आप ही की तरह सारी चीजें करते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, वो भी आप ही की तरह डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग करते हैं। बस कमी कहां होती है? प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन में। आपको इन 40 दिनों में क्या करना है, किस तरीके से, मैं अरविंद सिंह पूछो तो पर फिजिक्स में कैसे आप 140 प्लस स्कोर कर सकते हो ये बताऊंगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको जगह कहते हैं रॉकेट साइंस है उसको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। है एकदम सिंपल सी चीज, कोई अलग चीज नहीं है, है एकदम सिंपल। सबसे पहली चीज थंब रूल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, नहीं मैं कर सकता हूं। जैसे आप लोगों को एक वाकया पता होगा, सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान में पहली बार मैच खेलने गए थे तो उनके सामने बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स थे, वकार दिनेश, वसीम अकरम, ठीक है, इमरान खान, ये सारे बॉलर्स थे वहां पे। उनके हेलमेट में बॉल भी लगी जब पहला मैच वो खेल रहे थे, लेकिन वो उठने के बाद उनका सेल्फ बिलीफ ही था कि उन्होंने कहा नहीं मैं खेलूंगा। उसी तरीके से अगर वहां पे वो रुक गए होते तो आज सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए होते। तो ये 40 दिन आपको अगर सेल्फ बिलीव के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक प्रॉपर टाइम के साथ, ठीक है, मेहनत करोगे, और आपकी मदद के लिए हम लोग खड़े हैं पूछो तो की पूरी टीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायो, इनका हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसको भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल हैं। 40 दिन बहुत होते हैं। वो चकदे का डायलॉग है ना शाहरुख खान का कि 70 मिनट, ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, उसी तरीके से ये 40 दिन अगर आपने फोकस करके पढ़ाई कर ली, ठीक है, फोकस करके पढ़ाई कर ली तो सिलेक्शन होगा, 620 नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं, नीट का फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साल भर आप लोगों ने बहुत उलझल चीजें सॉल्व की होंगी, इन 40 दिनों में आपको कुछ भी उलझल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो आप, बेसिक पे क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक्स आपको लगते हैं वीक हैं, जैसे रोटेशन एक टॉपिक होता है मैकेनिक्स में, वो हर बच्चे का वीक होता है, छोड़ दो यार उसको, ठीक है, उसमें बेसिक चीजें, सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग हो रही है, ये इसकी बेसिक चीजें कर लोगे तब भी क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ज्यादा रोलिंग के ये भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, ठीक है, इसके क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिक्स नीट लेवल की पढ़नी है, फिजिक्स ऐसे बहुत वास्ट होती है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन मेरे सामने अगर कोई ले आके रख देगा तो हो सकता है मेरे को भी सोचना पड़े। आपको सिर्फ नीट लेवल की फिजिक्स पढ़नी है। मैंने कहा 140 आपको स्कोर करना है, 140 में बच्चों मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं नीट में जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको फॉर्मूले याद है
कंसेप्ट याद है तो आप जो कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको क्या बात बताने वाला हूं, एक A4 शीट लो। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है, जो चैप्टर्स आपके छूट गए हैं उनको आप अभी भी देख सकते हो, वो YouTube के हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, ठीक है। पूछो तो के हमारे चैनल पर वो वीडियोस पड़े हुए हैं। तो फिजिक्स में मैं आपको बताता हूं कि आपको एक A4 शीट लो, सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट अपने हाथ से लिखो, उन फॉर्मूलों में कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज, जैसे F is equal to MA लिखा तुमने, ठीक है, तो उसमें F क्या है, M क्या है, A क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। या लाइट का फॉर्मूला 1/F = 1/V + 1/U, या लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिख रहे हो, तो उसमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व तो फॉर्मूले से ही होना है ना, और उस फॉर्मूले को कहां यूज कर सकते हो कहां यूज नहीं कर सकते हो ये भी दिमाग में रखो। तो गारंटीड है 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि साल भर तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, थोड़ा बहुत तो स्टडी किया ही होगा ना, तो 10-15 क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप बिल्कुल उनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और उसी पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग यहां पे सॉल्व भी करवा रहे हैं, हम लोग बहुत हाई फाई चीजें जो है नहीं पढ़ाने वाले यहां पे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाएंगे और उससे थोड़ा सा भी कम नहीं पढ़ाएंगे, जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली उसी के हिसाब से हम आपको यहां पे जो है पूरा क्रैश कोर्स प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन वहां से मिले, साल भर अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी की है तो उससे भी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 10 से 15 क्वेश्चन वहां सॉल्व हो जाएंगे, बाकी 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो 30 से 35 क्वेश्चन आप जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो आसान टॉपिक्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, ये सब आसान टॉपिक है, इनको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे तैयार करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, 40 दिन में आपके 40 चैप्टर भी नहीं है, आज की डेट में अगर चाहोगे तो आप जो है चीजें सॉल्व कर लोगे। तो इसी प्रोसेस में आप कैसे 620 प्लस स्कोर करने वाले हो, ठीक है। मैं पूछो तो पर हमारी जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है मिस्टर अमित यादव, उनको बुलाता हूं, उनसे हम जो है इसके बारे में आगे बात करेंगे, केमिस्ट्री में कैसे आप जो है स्कोर कर सकते हो। अमित सर आइए। अमित सर, हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। देखो बेटा, आपको केमिस्ट्री में अच्छा करना है तो इसके लिए आपको जो है 150 प्लस मार्क्स लाने होंगे, अच्छे रैंक लाने के लिए 150 मार्क्स आपको लाने होंगे, इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपको मालूम है केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हाँ, फिजिकल में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बायो वाले फिजिकल में बहुत परेशान रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेडिकल में थोड़ा सा कैलकुलेशन टर्म आता है, इसलिए थोड़ा बच्चा, अरे डरो नहीं यार, मैथ्स ही तो है, कैलकुलेशन तो होगी, क्यों नहीं होगी, ऐसा कोई जगह कहते हैं बहुत बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी होती है, बिल्कुल होगी, लेकिन स्कोरिंग करना, स्कोरिंग करने के लिए ध्यान देना होगा भाई, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है जिनमें कैलकुलेशन कम होती है, ठीक है, बहुत रेयर कैलकुलेशन आपको मिलेगा, तो उसमें आप ज्यादा ज्यादा चीजों को कोशिश करो जिससे ज्यादा स्कोरिंग कर सको, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, एग्जाम में भी आप कोशिश करो कि पहले इनके क्वेश्चन कर लो जो इजी पोर्शन होता है, जो आप आसानी से कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी को आपको करना है, खासतौर से लास्ट जो चैप्टर है आपके, ठीक है, जिसमें आपके पॉलीमर, एवरीडे इन लाइफ, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, इनको बहुत ध्यान देना है, और जो आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्जिलिक एसिड, और इसके अलावा मतलब इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, देखो पहले ऑर्गेनिक को ध्यान ये देना होता है आपको कि रिएक्टेंट क्या, रिएजेंट क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, पहला चीज तो ये होता है, उसके बाद फिर मैकेनिज्म भी पार्ट आता है, तो मैकेनिज्म में मालूम होना चाहिए, बट पहले तो ये मालूम जाए कि रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो हमें 150 स्कोर करना है बेटा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेटजी बना के चलो तो आसानी से कर सकते हो। क्यों बेटा, देखो एग्जाम में होता क्या है कि आपके पास 45 क्वेश्चन है, ठीक है, 45 क्वेश्चन में जो है आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इजीली आप आराम से कर सकते हो। जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज, ठीक है, और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। अब ऐसा तो नहीं 45 में 45 ही करेंगे भाई, हम उससे कम नहीं करेंगे, अरे भाई जितना आता है उतना करो, निगेटिव मार्किंग भी होती है, बट इतना आप अच्छा स्कोर करना है, 150 प्लस करना है, तो आपको कम से कम 37-38 मतलब 38 के अप्रॉक्स आपको जाना पड़ेगा, कोशिश करो प्लस ले जाने की, बट इतना आप करते हो तो बेटा रैंक आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, और आप इजिली आराम से एग्जाम में आप 620 प्लस कर सकते हो। हमारे एक टीचर कहा करते थे कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ना भी आना
करना चाहिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, लीव इट, वहां प्रेस्टीज का इश्यू नहीं बनाना है, क्योंकि वहां अगर आप एक क्वेश्चन पे 5-10 मिनट स्टक कर गए तो पूरा पेपर आपका स्पॉइल हो जाएगा। आपने फिजिक्स में खास तौर से ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे ने पढ़ा, नहीं समझ में आया, फिर भी वहां पे जो है जूझ रहा है, जूझना नहीं है, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में हम जो है एसके सर को, हमारे जो है क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है जूलॉजी बॉटनी के जो टीचर है, इनको हम लोग बुलाते हैं, ये आपको इसमें गाइड करेंगे, ठीक है, कैसे जो है 330 प्लस स्कोर करेंगे आप, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एसके सर, मैं आप लोगों को, सर ने अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर ली। देखिए बच्चों, जितना बायोलॉजी आपके लिए एडवांटेजेस है उतना ही आपके लिए खतरनाक भी हो जाता है कभी कभी। ऐसा होता है सर बच्चों को कि लगता है कि हमने पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम बायो में तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है और गलत भी नहीं करना है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, इन 90 क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 85 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं अच्छे रैंक के लिए। उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी इस समय आपके लिए होली बुक है, आप जिस कुछ भी मानते हैं लेकिन एनसीईआरटी से होली बुक अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब सुबह उठना है, एनसीईआरटी आपको स्टार्ट करना है, अपनी सुबह एनसीईआरटी से करना है। और जो क्वेश्चन बच्चों नीट के अंदर भी हम लोग एनालिसिस करते हैं दिन रात पेपर का, तो उसमें ये देखते हैं कि 30-35 क्वेश्चन जो है बायो के अंदर भी एनसीईआरटी नहीं, वो कॉमन रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी से तो 70-80% आपको, 10% वो भी एनसीईआरटी से होता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको इधर उधर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके होता है, और 5-10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आएगा उसके लिए हम लोग पूछो तो पे मेहनत कर ही रहे हैं। तो आपको बायो के अंदर बच्चों से अक्सर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, तो जितने भी याद करने वाले टॉपिक्स हैं जो बार बार आपके माइंड से डाइल्यूट हो जाते हैं, उनको आप रोज कम से कम एक छोटी सी कॉपी बना लें, जैसे मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, जो कंसेप्चुअल टॉपिक है जैसे जेनेटिक्स है, बायोटेक है, उसको आप अच्छे से जितने भी उससे आए हुए एमसीक्यू हैं, ज्यादा पुराने एमसीक्यू नहीं करना है, 10 साल पहले के, है ना, 10 से 20 हाँ। तो उससे पहले एनसीईआरटी दूसरी थी, उसको आप कर लेंगे तो बायो में इजीली 330-340 मार्क्स स्कोर कर लेंगे कॉमन स्टूडेंट। बिल्कुल वीडियो कोर स्टूडेंट कर लेते हैं सर 330, बिल्कुल कर सकते हैं। दिक्कत जो होती है वो सिर्फ फिजिक्स में होती है, तो इसलिए मैंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया है आपको, 140 नंबर का है, 140 नंबर पक्का स्कोर कर सकते हो, पूछो तो की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। आप लोग आओ पूछो तो के चैनल पे, जो क्रैश कोर्स चल रहा है, डेली वीडियो देखिए और कमेंट करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी तरीके से चीजें करेंगे, ठीक है। बच्चे कहते हैं बॉटनी में लोअर प्लांट्स वगैरह में क्या कुछ दिक्कत होती है? सर देखिए, लोअर प्लांट्स के अंदर क्या है, बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं, अच्छा, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है चीजें याद करने वाली। अक्सर बच्चों के अंदर ये कंप्लेन होता है कि वो बॉटनी से थोड़ा भागते हैं, जूलॉजी की तरफ तो भागते हैं लेकिन मतलब समझने की तरफ भागते हैं, लेकिन अपनापन लगता है बॉटनी में, उनको लगता है ये क्या रखने वाला है, खास विजिबिलिटी नहीं होती ना, जूलॉजी में सब दिखता है इंसान को, अपनी बॉडी के पार्ट सारी चीजें नहीं, हाँ जी परसेप्शन है, लेकिन आपको भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपके लिए सब चीज बढ़ा, बॉटनी जूलॉजी आपको इसमें रिसर्च नहीं करना है, आपको जूलॉजी में रिसर्च करना है। सर बच्चों को कुछ थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ मोटिवेशन, कुछ मोटिवेट कीजिए। हाँ सर, और अभी का जो टाइम है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं सर अपने करियर के अंदर जो साल भर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन इस टाइम पे आने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट होने कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी चीज है। अगर सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो आप जो कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी, आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए मैं कर सकता हूं, करूंगा, ठीक है। 40 दिन जान लगा दीजिए एकदम, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, तो आपको पूरी मेहनत करनी है और आपके साथ हमारी पूछो तो की पूरी टीम जो है कहते हैं खड़ी हुई है। लास्ट में शाकिब एसके सर जो है कहते हैं आपके लिए जो है कुछ जो है बोलना चाह रहे हैं कि आप जूलॉजी बॉटनी में कैसे स्कोर करेंगे। एक शेर बोल दिया तो मुझे भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो बच्चों मैं एक छोटा सा शेर आपको अभी मोटिवेट करने के लिए, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, तो एक शेर मैं बोलना चाहूंगा कि तुरक हौसला वो मंजर भी आएगा, तुरक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न रुक ऐ मंजिल के मुसाफिर। तो अभी बच्चों के लिए मंजिल क्या है? नीट। अब मुसाफिर स्टूडेंट है, मुसाफिर मतलब ट्रैवलर होता है, तू थक कर न रुक ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बहुत सही है, मेडिकल कॉलेज है और मजा भी कॉलेज के अंदर होता है।
अरे डॉक्टर साहब हमारे बहुत बड़े जो है शायर भी है भाई, ठीक है, सिर्फ जूलॉजी बॉटनी के अलावा नहीं जो है कहते हैं शेरो शायरी भी करते हैं, तो एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। हमारे चैनल पे बराबर जो है जो चीजें अपलोड हो रही हैं उसको देखते रहिए, जो भी प्रॉब्लम है फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, कमेंट में आप बोलिए, हम अगर कोई और रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, 40 दिन जान लगा देनी है, 3 तारीख को 3 मई आग लगा देनी है, आग 620 नंबर चाहिए, स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चा लोग, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सेफ रहो, कोरोना से बचे रहो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।